कहानी है माँ, इसे मैं फील करके लिखना चाहती हूँ, इसीलिए जहाँ भूत है उसी जगह पर आई हूँ। मैं आपको कितनी बार समझाऊं, भूत हकीकत में होते हैं माँ। नैनो तकनीक की तरह बहुत सारी तकनीकें हैं। एक दिन भूत को पता लगाने वाली मशीन भी मिल जाएगी, तब विश्वास करेंगी कि भूत भी होते हैं। हमें तो विश्वास है, भगवान के होने पर शक करने वालों को एक न एक दिन भूत जरूर मिल जाएगा। अभी मेरा मूड खराब मत करो। शुक्रवार है, अमावस है और 13 तारीख है। मैं खुद तुम्हारी जगह पर आई हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक राइटर हूँ। आओ, तुम्हारे बारे में एक कहानी लिखने आई हूँ, सामने आ जाओ। अगर नहीं आए तो thank you.
यू मिस्टर भूत, सामने आने के लिए आपका शुक्रिया। हाँ एक सेकेंड, एक असली भूत के साथ सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर डालने से लाइक्स की बाढ़ आ जाएगी। ये क्या, तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिख रहा। हे, तुम तो शक्ल से बिल्कुल चोर की तरह लग रहे हो, देखने से भूत की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे। अब शराफत से भूत बन जाओ। तभी ढंग के लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, नहीं तो लोग फिर बकवास करेंगे। आत्मा इंसान जैसी लगती है लेकिन उसकी शक्तियाँ बहुत अलग होती हैं। वो सब मैं नहीं जानती, तुम अपनी शक्ल भूत जैसी बनाओगे या नहीं, नहीं। तब तो मैं पुलिस को फोन करती हूँ कि यहाँ पे एक चोर आ गया है। अरे नहीं मैडम, सॉरी मैडम, मैं यहाँ लैपटॉप चुराने ही आया था, मुझे लगा मैं भूत हूँ, आप डर जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी हिम्मत वाली होंगी। सच में मैं भूत नहीं हूँ, इंसान ही। हाँ वो पहले से ही मैं जानती थी। कैसे, क्या एक भूत को नहीं पता होगा कि कौन भूत है और कौन इंसान है? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं। यही है सर हमारी कहानी का पहला सीन। आगे बोलिए। नहीं सर, अभी तो एक ही सीन पूरा हुआ है, आगे कहानी लिखना अभी बाकी है। ये क्या, मैंने तुम्हें पहले ही 10 दिन का समय दिया था, तब पूरा कर सकते थे ना। मुझे तुम्हारा बताया कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए ऑफिस खुलवाया, फिर भी कहानी तैयार नहीं की है। सर मुझे सिर्फ 4 दिन दीजिए, मैं कहानी पूरी कर दूंगा सर। तब तक एक काम करो, फिल्म की कहानी में जिस्म को ज्यादा दिखाओ, यही फिल्म के लिए बेहतर होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है फिल्म में थोड़ा जवानी, ग्लैमर ये दिखाओगे तो लोग थिएटर में फिल्म देखने आएंगे। मेरी तो बहुत सी फिल्में पहले से हिट हो गई हैं सर, और उनमें से किसी में ग्लैमर नहीं था। बस एक कहानी अच्छी होनी चाहिए, फिल्म तो चलेगी चलेगी सर। तुम्हें अपनी फिल्म में इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ सर। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करो, नहीं तो फिर तुम कोई नया प्रोड्यूसर देख। ठीक है सर, मैं पूरी कर दूंगा। राइट, ओके। ठीक है, चलता हूँ सर। सुनो सर, देखो फिल्म युवाओं को पसंद आनी चाहिए। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। ओके सर।